Hey guys, welcome back to the channel. This is Sai Dental Vlogs and today I am with my very good friend Dr. Nilay Ganatra. Hi. तो ऐसे ही कोई वीडियो नहीं बन रहा है, ऐसे वी आर टॉकिंग एंड मैं ऐसे कुछ कुछ सवाल पूछूंगा. जैसे कि पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. आई एम इन मुंबई एंड ही इज माई बीडीएस फ्रेंड एंड वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड अभी क्लिनिक बैंड्रा में है एंड वी थॉट वी शुड मेक दिस वीडियो ऑफ अवर स्ट्रगल एंड हाउ वी स्पेंड अवर कॉलेज डेज एंड इट्स बीन अ प्लेजर मीटिंग हिम एंड आई वॉज प्लानिंग सिंस 5 years कि मैं उसके साथ आके बात करूंगा, मिलेंगे, हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे एंड इट्स रियली रिक्वायर्ड इन लाइफ गाइस. अगर आप एक ही जगह बैठे रहोगे और कहीं कुछ करोगे नहीं, फ्रेंड से मिलोगे नहीं, तो लाइफ झंड हो जाएगी. ठीक है, तो शुरू करते हैं. तो नीले, हमको थोड़ा बताओ कि हिंदी में बता कि कॉलेज लाइफ हमारी कैसी थी. कॉलेज लाइफ वॉज लॉट ऑफ स्ट्रगल बट एट द सेम टाइम एक सपना था कि लाइफ में कुछ कर दिखाना है, क्योंकि हम लोग इतने वेल ऑफ फाइनेंशियली यू नो रिच फैमिली से नहीं है. जो कुछ भी किया आपने बलबूते पे किया, खुद के बदम पे किया. एंड आवर कॉलेज वाज वेरी स्ट्रिक्ट, नॉट लाइक टुडे. हाँ, जीन्स भी अलाउड नहीं था कॉलेज में. और लड़की से बात करोगे तो फिर भी हमने बहुत लड़कियां पटाई, खैर वो अलग बात है. लेकिन यस, हैविंग सेड दैट, एक स्ट्रगल थी. 4,500 रूपये आते थे हर महीने और 4,500 रूपये में पूरा महीना कैसे चलाना. वो डेंटल मटेरियल से हमारा एप्रन जो था वो पूरा, मतलब ऐसे प्रोस्टो डिपार्टमेंट में गए तो पीओपी लगाया, इधर चटनी लगाया, इधर सॉस लगाया, एप्रन की हालत तिरंगा हो गया, खराब हो गया मतलब. लेकिन उसमें भी एक स्ट्रगल थी, हम नया एप्रन खरीदते थे उधारी पे 100 रूपये वॉज अ बिग अमाउंट, क्योंकि मुझे याद है पेट्रोल कुछ 25 रूपये का था और हम लोग एक चेन्नई में एक सत्यम सिनेमास करके वहां पिक्चर देखने जाते थे तो 30 रूपये में पेट्रोल पूरा के जाते थे, तो 15 रूपये ये देता था, 15 रूपये मैं देता था. तो वैसी हालत थी. तो मटेरियल्स भी खरीदते थे उधारी में, डेंटल मटेरियल, जैसे कि माउथ मिरर खरीद लिया या ग्लव्स खरीद लिए. तो उधारी में ही लाइफ चली है. बट हैविंग सेड दैट, वो आज हम जो कुछ भी है वो उस स्ट्रगल की वजह से है. और हर कोई बीडीएस स्टूडेंट को मैं ये एडवाइस करूंगा कि ऑल द स्ट्रगल्स विल मेक यू वन डे यू नो अ स्ट्रॉन्ग क्लिनिशियन, गुड क्लिनिशियन, गुड प्रैक्टिशनर. एंड आप वो दिन कभी नहीं भूलना जो स्ट्रगल वाला है, क्योंकि एवरी टनल हैज गॉट अ यू नो ब्राइटनेस, देयर इज अ सनशाइन वेटिंग फॉर इट. सो या इवन वी थॉट दैट यार ये तो कैसे डेंटिस्ट. अच्छा, मुझे एक बात बता कि काफी लोग, बच्चे लोग ना फेल हो जाते हैं ना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एंड दे गेट वेरी मच क्या मतलब कि टोटली दे बिकम होपलेस कि हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे और आगे कुछ नहीं कर मतलब होगा, मेरा क्या होगा. तो मेरा ये कहना है कि फेल सब लोग होते हैं, ऐसा उसमें ये ऐसा नहीं कि अगर आप फेल हो गए तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे. फेलियर आर द पाथवे टू सक्सेस. पूरे डेंटिस्ट्री में नहीं, सब स्कूल से लेके अभी तक आई वॉज ऑलवेज अ लास्ट बेंचर और एन एवरेज स्टूडेंट आई वुड से. नंबर्स डोंट मेक यू व्हाट यू आर, इट्स योर माइंड. आपने क्या करना है वो आपको माइंड में एक बार डाल दिया कि मुझे ये करना है तो आप वो करके रहोगे. नंबर से कुछ नहीं होता है, फर्स्ट आके कुछ नहीं होता है, लास्ट आके भी कुछ नहीं होता है. जो आपके माइंड में है आप वही करोगे. सो कीप योर थॉट्स पॉजिटिव एंड एट द सेम टाइम कॉलेज में भी हम जिंदगी जीते थे. वो 4,500 रूपये महीने के आते थे, उसमें भी हम लाइफ जीते थे, घूमते थे, फिरते थे, 10 रूपये की टिकट में मूवी देखते थे, 10 रूपये की टिकट में आगे बेंच पे लकड़े पे बैठ के मूवी देखते थे. और आज भी हम लाइफ जीते है, आज भी हम ट्रेकिंग करते है, हिमालय जाते है, बाइक राइडिंग करते है. तो जिंदगी जीना है, ऐसा नहीं कि कम पैसे है तो घर में बैठ गया और 2-2 रूपये बचा रहा है, वो उसमें आप कुछ नहीं करो. आपको लाइफ जीनी है, हर एक दिन जीना है एज इफ देर इज नो टुमोरो, बट एट द सेम टाइम यू टू वर्क हार्ड ऑल्सो. सो दोनों चीज करनी है. एग्जाम से 1 महीना पहले हम 18-18 घंटे पढ़ते थे और पाती तो टॉपर था ही था, एक मुझे भी उसके साथ रह के फार्माकोलॉजी में डिस्टिंक्शन आ गया था सेकेंड ईयर में आई रिमेम्बर. और मेरे पास एक बाइक थी, सेकंड हैंड बाइक थी, वो चलाते थे हम, वो टूट गिर जाती थी 50 के ऊपर चलाओगे तो सीज हो जाती थी. 50 के ऊपर वो बाइक चलाई तो एक इंजन में आवाज आता था, कर कट खत्म. पीछे लड़की बैठी वो भी सोचे कि क्या बाइक है. अच्छा, तेरा ऑस्ट्रेलिया का स्टोरी बता कि हाउ डिड यू गो टू द ऑस्ट्रेलिया एंड वेयर यू वर्क एंड व्हाई डिड यू लीव ऑस्ट्रेलिया एंड केम बैक टू मुंबई एंड मुंबई में तुमने क्या स्ट्रगल किया. हाउ डिड यू सेट योर प्रैक्टिस इन मुंबई बीइंग द रेंट्स आर वेरियस क्लिनिक का रेंट 50,000 रूपये. यस, आई विल टेल यू गाइस, आई विल टेल यू माई स्टोरी. तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी
मिलेगी, तो कुछ बता कि कैसे ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, फिर वहां पे आपकी कैसी लाइफ थी, फिर देन यू अगेन केम बैक टू मुंबई एंड स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। मैं हमेशा सोचता था कि इंडिया में मैं डेंटिस्ट करके क्या करूंगा, यहाँ पे स्कोप ही नहीं है, इतने सारे डेंटिस्ट है, तो मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया। उस टाइम पे भी हाँ, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट 2007, तो मैं वहां पे ऑस्ट्रेलिया चला गया एंड आई गॉट अ जॉब अंडर वन डेंटिस्ट। आई वॉज आफ्टर टू ईयर्स आई वॉज बींग पेड $30 एन आवर, पर मुझे कभी अपना नहीं लगा वहां पे, यू नो। फिर मैंने आई वॉज ऑन अ स्पॉन्सरशिप वीजा, तो मैंने जॉब भी छोड़ दी, देन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर ऑस्ट्रेलियन पावर एंड गैस कंपनी। आई हैव सीन इंडियन स्ट्रगलिंग देयर, एंड टू ओपन ए क्लिनिक यू रिक्वायर लॉट ऑफ कैपिटल। मैंने सोचा छोड़, एंड आई यूज टू मिस माई कंट्री, आई मीन यू नो आई नेवर एंजॉयड देयर, दो आई लाइक माउंटेन्स एंड ऑल, बट स्टिल। सो आई केम बैक टू इंडिया, आई स्टार्टेड अगेन फ्रॉम स्क्रैच। और कितने साल था तू वहां पे? वहां पे मैं 3 साल था, और जो मजा अपने देश में प्रैक्टिस करने का है, आज इंडिपेंडेंस डे है तो इसलिए नहीं बोल रहा हूं, बट जो मजा अपने कंपनी अपनी कंट्री में प्रैक्टिस करने का है वो कहीं भी नहीं है, बिकॉज हियर यू आर अ किंग। आई वर्क फ्रॉम 10 to 5 ओनली, आफ्टर 5 o'clock डॉक्टर शेट्टी, शी इज डेंटिस्ट एट माई प्लेस, शी टेक्स केयर ऑफ माई क्लिनिक, बट आई वर्क फ्रॉम ओनली 10 to 5 एंड आफ्टर दैट आई लिव माई लाइफ। आई ट्रेवल टू माउंटेन्स एवरी 2 months, और ये सब कुछ, ये पूरी लाइफ मैंने जीरो से की वापस इंडिया आके। तो जो नए बडिंग डेंटिस्ट है उनको मैं यही एडवाइस करूंगा कि डू नॉट क्विट डेंटिस्ट्री, डोंट थिंक दैट देर आर टू मेनी डेंटिस्ट सो वी वोंट बी एबल टू सर्वाइव। आप करोगे, जिगरा रखो, एक विजन रखो कि आपको क्या करना है, और आप जरूर करोगे। आज इट्स बिन नाउ 10 years इन बांड्रा, माई क्लिनिक इज इन 10 years इन बांड्रा, 3 साल में मलाड में था, तो टोटल मुंबई में मैं 13-14 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। एंड आई वॉन्ट टू से दैट मुंबई इज अ सिटी जहां पे खर्चे बहुत है, बट इफ यू हैव अ विजन, जिगरा है और एक पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एटीट्यूड है, ऑप्टिमिस्टिक, यू इफ यू आर ऑप्टिमिस्टिक यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एनीवेयर इफ यू आर एनीवेयर। ये मुंबई की बात नहीं है, आप जहां पे भी हो वहां पे भी कर सकते हो। राइट, अब मैं पूरा दिन प्रैक्टिस नहीं करता, पिछले 2 साल से मैं सिर्फ 10 से 5 ही प्रैक्टिस करता हूं, उसके बाद आई प्ले म्यूजिक, आई प्ले हारमोनिका, आई प्लान माई ट्रिप, और हर 2 महीने में मैं बाइक चलाने निकल जाता हूँ हिमालयाज, यू नो। सो दैट्स माई लाइफ, बट देन दिस लाइफ केम आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल, आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल इज वेरी मच रिक्वायर्ड, यू हैव टू गो थ्रू पेन, यू हैव टू गो थ्रू स्ट्रगल, यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस टू एंजॉय द प्रेजेंट, दैट इज लाइफ। सो ऐसा ये नहीं कि मतलब नहीं है कि अगर आप उतने अच्छे नहीं है पढ़ाई में या फिर आपका काम अच्छा नहीं है, काम अच्छा करो, विद प्रैक्टिस एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो आज का वीडियो यही एंड करते हैं, होप यू हैव अ वेरी गुड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, एंड मेक योरसेल्फ फ्री, फ्रीडम, बेसिकली इंडिपेंडेंस डे फ्रीडम है, तो उसी के लिए ये वीडियो बनाया। तो इफ यू आर नॉट फॉलोड मी ऑन दिस चैनल, प्लीज डू फॉलो मी, यू कैन गिव मी अ सुपर थैंक्स एज वेल, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड फॉलो माई इंस्टा आईडी एट एज वेल, sai_dental, एंड इफ यू वॉन्ट टू, व्हाट्स योर चैनल नेम, इंस्टाग्राम आईडी, इफ यू वॉन्ट टू फॉलो नील डेंटिस्ट, नील डेंटिस्ट, NILDENTIST, सब कुछ दिख जाएगा उसमें, नील क्या क्या करता है, ठीक है। तो टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।